मैथ्स गुरु विद पेरेंट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज हम लोग रुचि और अभिरुचि नामक चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी श्रृंखला देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं हाइलाइटेड पॉइंट्स की बात कर लेता हूँ, इससे आपको थोड़ी सी मदद मिलेगी। रुचि किसी व्यक्ति पदार्थ या विषय की ओर आकर्षित होने की प्राकृतिक जन्मजात अथवा अर्जित प्रवृत्ति है। जिस वस्तु से हमारा लगाव होता है उसमें हमारी रुचि होती है। रुचि के 3 पहलू हैं, जानना, अनुभव करना, इच्छा करना। रुचि 2 प्रकार की होती हैं, जन्मजात रुचि, अर्जित रुचि। अभिरुचि के मापन की 2 विधियां हैं, शिक्षक निर्मित विधियां तथा मानक अभिरुचि आविष्कार। अभिरुचि के प्रकार सुपर एवं क्राइट्स द्वारा वर्गीकृत, व्यक्ति अभिरुचि, प्रकृति अभिरुचि, आविष्कारात्मक अभिरुचि। विद्यालय में बालकों के अभिरुचि को मुख्य रूप से प्रभावित करने वाले कारक, प्रारंभिक विद्यालय की अनुभूतियाँ, माता पिता का प्रभाव, शैक्षिक भाई बहनों की मनोवृत्ति, मित्रों की मनोवृत्ति, शैक्षिक सफलता, कार्य के प्रति मनोवृत्ति, शिक्षक एवं छात्र, विद्यालय के संगठनात्मक वातावरण। रुचि मापक शिक्षक निर्मित प्रविधियाँ निम्नलिखित हैं, चिन्हांकन, रुचि श्रेणीकरण, रेटिंग मापनी, स्वरयंत्र, अनुक्रिया प्रविधि आदि। मानव अभिरुचि आविष्कारिका शैक्षिक दृष्टि से 3 प्रकार की होती है, स्ट्रांग अभिरुचि आविष्कारिका, कुंडर परीक्षण, माइनेसोटा वोकेशनल इंटरनेट इन्वेंट्री। अब देखेंगे हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है, इसका अर्थ है कोई भी 2 शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। शिक्षार्थियों में न केवल कोई समान विशेषताएं होती हैं, ना उनके लक्ष्य समान होते हैं। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान आचर्या संभव नहीं है। इसमें ऑप्शन सही होगा ए, 6 से 10 वर्ष की आयु में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में, विद्यालय में। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक जो हैं विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। निम्न में से कौन सा रुचि के बारे में सत्य नहीं है? रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं। रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती हैं, ये भी सही है, दोनों सही है। उपयुक्त रुचियां योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती। रुचियां व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। देखिए रुचियां सही बात है, व्यवहार में आकर्षण के प्रतिबिंब है। अभी जो ऑप्शन गलत है वो है सी। चौथा देखेंगे, अभिवृत्ति है एक भावनात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया। एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचय होती है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण देने अथवा कौशल से सीखा जा सकता है। और में ऑप्शन होगा डी, अभिवृत्ति है। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक सूचित कर देते हैं। उन्हें उनकी रुचि और आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। 5 में ऑप्शन सही होगा डी, अरे रुचि नहीं है बच्चों में तो उनको उत्पन्न करो, ये आपकी जिम्मेदारी है। पृथक पृथक समजाति समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। ए, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, उनके समकक्षियों की अभिवृत्तियों पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। इसमें वासन सही होगा वो होगा ए, उनकी अभिभावकों की प्रवृत्तियों पर। विद्यालय में विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण है कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव। हाँ सीधा मारो पहला है, 7 में कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव। अगर विद्यार्थी आपकी क्लास छोड़ के भाग रहे हैं तो मतलब कि आप उनको उनकी रुचि पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप उनकी रुचि पे यानी कि इंटरेस्ट क्या है आप वो नहीं पढ़ा रहे हो, क्योंकि बच्चे आपकी क्लास से भाग रहे हैं मतलब उनका इंटरेस्ट नहीं है।
जबकि आपके शिक्षण में कुछ समस्या है, आपको उसे बदलने की जरूरत है। बच्चों में रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का प्रयोग करोगे? बच्चों को पढ़कर अनेकों कहोगे, प्रश्न पूछोगे, स्वयं गतिविधि करेंगे और बच्चों को बताएंगे, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे। वेरी गुड, आठ में जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे, डी। यानी कि आप बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। जैसे आप मान लीजिए हिंदी का कोई नाटक पढ़ा रहे हो, तो आप क्या करोगे, चार पांच बच्चों को पात्र बना दोगे और उनसे स्टेप बाय स्टेप पढ़वाओगे। उससे क्या होगा कि उनको लगेगा कि चलो, वो खुद रुचि लगेगी, उनको बोलने भी अच्छा लगेगा और कंटिन्यू जैसे अपने मौके का इंतजार करेंगे। वे कौन से बाह्य कारक हैं जो बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? भावना और मनोभाव, संस्कृति और प्रशिक्षण, लक्ष्य और प्रयोजन, बच्चे का दृष्टिकोण। नाइन में बी, संस्कृति और प्रशिक्षण। थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं? बुद्धि, अभिवृत्ति, मूल्य, व्यक्तित्व। दस में जो ऑप्शन सही होगा बी, अभिवृत्ति। थर्स्टन और लिकर्ट अभिवृत्ति के मापन से संबंधित हैं। रुचि का संबंध है योग्यता, अवधान ए और ए वी व बी दोनों, इनमें में से कोई नहीं। ग्यारह में जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बी, अवधान। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है व्यक्ति की भिन्नता, बुद्धि के सिद्धांतों से, वंशानुक्रम से, पर्यावरण से। बारह में ए, व्यक्तिक भिन्नता। भिन्न में से निम्न में से कौन सा रुचि के बारे में सत्य नहीं है? रुचियाँ जन्मजात और आदि होती हैं। ये क्वेश्चन हम लोग अभी ऊपर पढ़ चुके हैं। ग्यारह में जो ऑप्शन सही होगा वो डी, रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। धन्यवाद फॉर यूजिंग फॉर वॉचिंग मैथ्स गुरु विद PRS यूट्यूब चैनल। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जिक्र करेंगे अब योग्यता या अभिक्षमता पर आधारित, मतलब कि एप्टीट्यूड पर आधारित पूछे गए प्रश्न। थैंक यू, तब तक के लिए।